सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक विद निंजा। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फेबल एप्लीकेशन के सेकंड न्यू अपडेट के बारे में कि आपको अभी तक आपका प्रोडक्ट रिसीव क्यों नहीं हुआ एंड और भी। और गाइस, साथ ही साथ हम बात करेंगे फेबल एप्लीकेशन मनी एडर स्क्रिप्ट के बारे में एंड गाइस साथ ही साथ जो हमें फेबल एप्लीकेशन से प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं उनकी अनबॉक्सिंग। गाइस देखो, ऑलरेडी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा चुका हूँ, बट मेरे को एक और प्रोडक्ट रिसीव हुआ था पेपल एप्लीकेशन से, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बस गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, वीडियो का लास्ट तक का वॉच करना विदाउट स्किप किए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम बात करेंगे फेबल एप्लीकेशन के सेकंड न्यू अपडेट के बारे में। उससे पहले गाइज बता दूं, जिस भी यूजर्स को फेबल एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है, तो इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वॉच कर लेना, आपको पता लग जाएगा सिंपली फेबल एप्लीकेशन है क्या। उसके बाद में गाइज देखो, फेबल एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में राइट साइड नीचे कोने में आपको थ्री लाइन दिखेगी, तो सिंपली आपको थ्री लाइन पर टैप करना है। उसके बाद में मई ऑर्डर्स वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना है। अब गाइस देखो, इसके अंदर सिंपली है क्या जो अपडेट है उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखो गाइस, इसके अंदर क्या है, जिस भी यूजर्स ने दो या तीन प्रोडक्ट इससे बाय किए हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जितने प्रोडक्ट बाय किए हैं, तो उसको अभी तक उसके प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुए हैं। जिस तरीके से गाइस मैंने यहाँ पर दो प्रोडक्ट बाय किए थे, एक यहाँ पर ट्रू एलिमेंट्स था एंड यहाँ पर फ्रूट जैम, तो मेरे को एक ही रिसीव आया है, एक अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ। आपने भी दो या तीन किए हैं, तो दो या तीन में से आपको सारे प्रोडक्ट अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हो, 29 तारीख मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट बाय किया था, आज पूरा एक मंथ मेरे को हो चुका है बट अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइस देखो, इसका रीज़न पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ। गाइस देखो, आप सभी को पता होगा, जो भी एप्लीकेशन या वेबसाइट होती है, जब उस पर हाई ट्रैफिक जाता है तो ऑटोमेटिक उसका जो है सर्वर डाउन हो जाता है, तो वही सेम फेबल एप्लीकेशन के साथ हुआ है। ये बहुत कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसका सर्वर इतनी डाउन हो चुका बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो है प्रोडक्ट देने में बहुत ही ज़्यादा लेट कर रहे हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पर यदि आपको एक मंथ हो चुका है या उससे ज़्यादा हो चुका है, तो आप अपना प्रोडक्ट दो या तीन ही दिन के अंदर किस तरीके से मंगाओगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पर मई ऑर्डर्स आपको लिख रहा है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिख जाएगा 74061, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे ऑटोमेटिक कॉलिंग में आपका आ जाएगा, सिंपली इसको कॉल करो, ठीक है। ऑलरेडी गाइस यहाँ पर देख सकते हो, 25 मिनट पहले मैं कस्टमर सर्विस से बात किया था, ये फेबल एप्लीकेशन एक कस्टमर सर्विस का नंबर है, सिंपली इसको कॉल करो। कॉल करने के बाद में वो आपसे बोलेगा, यदि आपको डिवाइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक दवा दो दवा इस तरीके से, तो आपको 6 दबाना है। जैसे गाइस आप 6 दबाओगे, 6 दबाने के बाद में ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगी कस्टमर सर्विस को। उसके बाद में कस्टमर सर्विस से बोलना, सर मैंने इससे जो है इतने प्रोडक्ट बाय किए थे, जितने भी आपने किए हैं दो या तीन, मैंने दो किए थे तो मैंने दो बोले हैं, जिनमें से मेरे को ये रिसीव हो चुका है, बट मेरा अभी तक जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है, जैसे कि मेरा फ्रूट जैम था, तो मैंने उससे बोला, सर मेरे को अभी तक मेरा जो फ्रूट जैम प्रोडक्ट है ये मेरे को रिसीव नहीं हुआ। वो आपसे डेट पूछेगा कि आपने किस डेट में किए थे, तो आप उसको डेट बता देना। जिस तरीके से गाइस मैंने यहाँ पर आपके नीचे डेट आ जाएगी, जिस तरीके से मैंने 29 अक्टूबर के अंदर किया था, तो मैंने इसको बोल दिया, सर मैंने 29 अक्टूबर के अंदर ऑर्डर बाय किया था बट मेरे को अभी तक मेरा प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, इसको भी ये बोल देना, ठीक है। उसके बाद में वो कुछ आपसे टाइमिंग लेगा थोड़ा सा, तो गाइस आपको जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद में वो आपकी कॉल को अनहोल्ड करेगा एंड उसके बाद में गाइस जो आपने प्रोडक्ट बाय कर रखे हैं वो सभी प्रोडक्ट के आपको नाम बता देगा। तो उसको बोलना कि सर ये जो मेरा प्रोडक्ट है, और एंड अपनी डेट भी बता देना, जैसे कि मैंने उससे बोला, सर मैंने 29 अक्टूबर के अंदर जो है फ्रूट जैम बाय की थी, जो कि मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुई, एक मंथ इसको हो चुका है, तो सर इसको थोड़ा जल्दी पार्सल करना। तो इस तरीके से आपको बोलना है, वो आपकी ज़रूर से हेल्प करेगा, वो बोलेगा जी बिल्कुल आप टेंशन मत लो, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना। गाइस देखो, ये थोड़े लापरवाह हो चुके हैं कस्टमर सर्विस वाले, इनको ये नहीं पता कि फेबल एप्लीकेशन जो इनकी एप्लीकेशन है इससे किसी ने ऑर्डर भी कर रखा है, ठीक है, ये भूल चुके हैं बिल्कुल ही। तो बस आपको इनको कॉलिंग करके इनको याद दिलाना है कि सर जो मेरा पार्सल है मेरे को रिसीव नहीं हुआ, इसको थोड़ा जल्दी पार्सल कीजिए। तो गाइस जो आपको एक महीने तक आपका प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ था, वो आपको कुछ ही दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। तो गाइस देखो, ये फेबल एप्लीकेशन कोई फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है, जिसने भी ऑर्डर कर रखा है उन सभी को 100% उन सभी का ऑर्डर जो है उन्हें रिसीव हो जाएगा, भले ये थोड़ा टाइमिंग लगा रहा है, ठीक है। तो मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया, बस आपको कॉलिंग करके इनको याद दिलाना है, 100% आपको आपका प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपके दो डाउट क्लियर कर दिए कि आपको अभी तक क्यों रिसीव नहीं हुआ था एंड इतना टाइमिंग क्यों लग रहा है। अब गाइस बात कर लेते हैं फेबल एप्लीकेशन मनी एडर स्क्रिप्ट के बारे में। तो गाइस जब से फेबल एप्लीकेशन के अंदर दोबारा यानी कि सेकंड न्यू अपडेट आया है, तो तब से गाइस जितने भी फेबल एप्लीकेशन के रेफर स्क्रिप्ट थे विदाउट नंबर वाली, वो सभी जो है बंद हो चुकी हैं।
अब गाइस जितने भी यूट्यूबर बंदे होते हैं वो थंबनेल पर आपको दिखा देते हैं कि फेबल एप्लीकेशन यूएसए बाईपास रैपर स्क्रिप्ट या फिर कोई एडवर्ड स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से, तो वो सभी के सभी फेक है। क्योंकि अब कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं बन सकती जिससे आप बिना किसी नंबर के रैपर कर सको फेबल एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस देखो यही बस एक क्लियर करना था, बाकी गाइस आप जो है अनलिमिटेड रैपर कर सकते हो, वो भी गाइस वन डिवाइस, और वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। इसलिए गाइस आपको नंबरों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक करना है, मेन्यू पे आपको टैप करना है एंड यहाँ पर आपको दिखेगा रैपर एंड, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर आपका रैफर कोड दिख जाएगा, तो सिंपली इस पे टैप करके इसको कॉपी कर लेना है। अब गाइस देखो जिस भी यूजर्स के पास इतने नंबर अवेलेबल नहीं है जिससे वो रैफर कर सके, तो गाइस आप सभी क्या करना कि अपना अपना रैफर कोड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो भी न्यू यूजर्स बंदा होगा वो आपका रैफर कोड जैसे ही यूज करेगा तो उसको भी 50 मिल जाएगा साइनअप पे एंड आपको भी 50 मिल जाएगा रैफर का, ठीक है। तो सभी इसके सभी यूजर जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सभी के सभी अपना अपना रैफर कोड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी रैफर कोड देने वाला नहीं हूँ। उसके बाद में गाइस जिस भी यूजर्स के पास जो इतने नंबर अवेलेबल हैं जिससे वो रेफर कर सके, तो अपना रेफर कोड आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में गाइस आपको आ जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। गाइस देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टैप करके ज्वाइन कर लेना या फिर गाइस टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना निंजा लूटर्स, हमारे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर गाइस यहाँ पर आप प्रूफ भी देख सकते हो, फेबल एप्लीकेशन के यूजर्स प्रूफ हैं जिनको यहाँ पर प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, ठीक है। तो गाइस देखो टेंशन वाली बात नहीं है, सभी को यहाँ पर प्रोडक्ट रिसीव होगा, बस यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये शहद है, ये मेरे यूजर्स को ही रिसीव हुआ था। उसके बाद गाइस देखो क्या करना है, इस वीडियो को अपलोड करने के 10 मिनट बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मल्टीपल अकाउंट का मोड एपीके दूंगा। यदि वो मोड एपीके आपको नहीं मिल पाता है तो गाइस आपको क्या करना है, जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम लिख रहा है निंजा लूटर्स, यहाँ पर आपको टैप करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर मेरी आपको आईडी मिल जाएगी @helpninja करके, सिंपली यहाँ पर टैप करके मेरे को मैसेज करना कि आपको कौन सा मोड एपीके चाहिए, मैं उसका मोड एपीके दे दूंगा। एंड जो भी आपका डाउट है, जो भी आपके प्रॉब्लम है, मेरे को मैसेज करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा एंड आपकी जरूर से हेल्प करूंगा, ठीक है। तो गाइस देखो ये वो मल्टीपल अकाउंट का मोड एपीके है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसको सिंपली ओपन करो, उसके बाद कुछ परमिशन मांगेगा उसको एग्री कर देना। एग्री करने के बाद में गाइस ये जो थोड़ी सी लोडिंग लेगा, परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना। यहाँ पर गाइस आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद में गाइस आपको जो आपकी फेबल एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो फेबल एप्लीकेशन देख सकते हो मेरे को मिल चुके, इस पर आपको प्लस का आइकन पर टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपके यहाँ पर फेबल एप्लीकेशन का क्लोन बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लोन बनेगा ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ऑटोमेटिक आपका क्लोन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में गाइस आपसे के सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर टैप करना है। जैसे गाइस टैप करोगे थोड़ी सी जो है लोडिंग लेगा। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर एक न्यू मोबाइल नंबर डालना है जिसको आपने अभी तक फेबल एप्लीकेशन पर यूज नहीं किया हो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद गाइस आपको गेट ओटीपी पे टैप करना है। जैसे गाइस आप गेट ओटीपी पे टैप करोगे, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, सिंपली आपको यहाँ पर ओटीपी को फिल कर देना है। तो गाइस देख सकते हो जैसे मैंने ओटीपी को फिल ही किया, उसके बाद आपसे के सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। गाइस आपसे यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछेगा, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। जैसे गाइस मैंने यहाँ पर जो है निंजा लूटर्स ही डाल दिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल देना। जेंडर पूछेगा, कुछ भी सेलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ में आपको रैंडमली कुछ भी टाइप कर देना है। जो ईयर है वो आपको 2000 तक रखनी है। उसके बाद गाइस जीमेल आईडी पूछेगा, उल्टे सीधा कुछ भी आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में कुछ नंबर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद लास्ट में @ आपको gmail.com लिख देना है, ठीक है। मतलब उल्टा सीधा आपको कुछ भी टाइप करना है, लास्ट में @gmail.com आपको लिख देना है। उसके बाद इसमें यहाँ पर आपको यस पे टाइप करना है। प्रोमो कोड पूछेगा, तो जो भी आपका मेन अकाउंट है जिससे आपको रेफर करना है उसका आपको रेफर कोड यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पर रेफर कोड है UA1JHM, इसको सिंपली अगेन कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पर जो है अपना पहले कैश दिखा देता हूँ, मैं जाता हूँ फेबल वॉलेट के अंदर। गाइस यहाँ पर देख सकते हो 221 रुपये मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ गाइस, जो है यहाँ प्रोमो कोड पूछ रहा है, प्रोमो कोड का मतलब होता है रेफर कोड। तो मैंने यहाँ पर अपना रेफर कोड पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर सबमिट पे टैप कर दिया। जैसे गाइस आप यहाँ पर सबमिट पे टैप करोगे जो है थोड़ी सी लोडिंग लेगा, देख सकते हो कंग्रेचुलेशन आ चुका है लिखा हुआ, वो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा। ये यहाँ पर गाइस जैसे तो 50 रुपये ऊपर से मैसेज आ चुका है कि मेरे को क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस मैं इसमें अंदर जाके देख लेता हूँ, फेबल एप्ली फेबल वॉलेट पे मैं टैप करता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा न्यू अकाउंट था, तो यहाँ पर मेरे को साइन पर 50 मिल चुका है। एंड गाइस जो हमारा रियल अकाउंट था यहाँ पर 221 रुपये था, तो इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगेन इसको बैक करके ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। मेन्यू पर टैप करके फेबल वॉलेट पर मैं टैप करता हूँ। गाइस देख सकते हो 221 था और 271 हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से आप यहाँ पर अनलिमिटेड जो है पर नंबर 50-50 करके लूट सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद गाइस आपको अगेन रेफर करने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपका मल्टीपल अकाउंट का मोड एपीके सिंपली इसको प्रेस करो और इसकी ऐप इन्फॉर्मेशन में जाके इसका क्लियर डाटा कर दो।
क्लियर डाटा करने के बाद इसको अगेन ओपन करो, परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना। उसके बाद प्लस का आइकन पे टैप करके फेबल एप्लीकेशन का क्लोन क्रिएट करो, क्लोन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। एक न्यू नंबर से साइन अप करना, उसके बाद में रेफर कोड अपना यूज करना, आपको जो है साइन अप पे 100 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, 50 आपके मेन अकाउंट में एंड 50 आपके न्यू अकाउंट पे। इसी तरीके से आप यहाँ पर अनलिमिटेड जो है एक एक नंबर है 100-100 करके लौट सकते हो, ठीक है। और गाइस देखो, जिस भी यूजर्स के पास में इतने नंबर अवेलेबल नहीं जिससे वो रेफर कर सके, तो मैं अगेन बता रहा हूँ, आप सभी अपना अपना रेफर कोड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके बाद में गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के टाइम में कौन कौन से प्रोडक्ट अभी स्टॉक के अंदर है, क्योंकि गाइस पेबल एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, एंड जो आप प्रोमो कोड यूज़ करते थे जो है डिस्काउंट के लिए, वो भी यहाँ पर एक्सपायर हो चुके हैं। तो अभी के टाइम में कौन सा कोड वर्किंग है वो आपको बताऊंगा। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से बैक करो, यहाँ पर आपको जो एक बैनर शो हो जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस करके, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे पूरा ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर तीन चीज़ें दिख जाएंगी, ग्रोफिट, ट्रू एलिमेंट्स, ठीक है, और डायब्लिस, ठीक है। इनका गाइस मतलब ये है, ट्रू एलिमेंट्स के अंदर जितनी भी क्रंची मोस्टली होती हैं वो सभी आ जाती हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सभी इसके अंदर आ जाती हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बाय कर सकते हो। मैं गाइस आपको रिकमेंड करूँगा ओट्स के लिए, जो कि बेस्ट रहेगी आप सभी के लिए। और यहाँ पर आपको हनी भी देखने के लिए मिल जाता है, आप हनी भी बाय कर सकते हो। यहाँ पर हनी जो है अभी स्टॉक के अंदर है, ठीक है, ये कुछ टाइम पहले आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, बट अभी ये जो है हनी स्टॉक के अंदर, आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको जो है ब्लू बेरी भी दिख जाती है, आप इनको भी बाय कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे इसके अंदर आप कुछ भी बाय कर सकते हो। ट्रू एलिमेंट के अंदर अभी सभी जो है स्टॉक के अंदर है प्रोडक्ट, ठीक है। और गाइस आपको यहाँ पर डायबिटीज के अंदर जो है शुगर से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कुछ भी बाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर गाइस चाय की पत्ती हो गई, चीनी हो गई, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बाय कर सकते हो। गाइस जो जैम है अभी के टाइम में आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और मैंने आपको एक कॉपर बोतल भी बताई थी, तो वो भी यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। तो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बाय कर सकते हो, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ट्रू एलिमेंट्स के अंदर से ही कुछ आपको बाय करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरे को ये जो है प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था, इसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो सभी इसके अंदर मिक्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं इसको बाय ही कर लेता हूँ, यहाँ पर 250 इसका 125 ग्राम का जो 250 रुपये का है, तो इसी को मैं जो है ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको व्यू कार्ड पर टैप करना है, आपके यहाँ पर एड्रेस आपको फिल कर लेना है यदि आपने नहीं कर रखा है। उसके बाद गाइस आपको प्रोसीड पर टैप करना है, प्रोसीड पर टैप करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो मेरे को 250 रुपये बोला है पे करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पर यूज फेबल कैश होगा, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे आपका अमाउंट 0 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 250 रुपये मेरे यहाँ से कटेंगे। और गाइस देखो कूपन कोड के अंदर मैंने आपको कूपन कोड बताया था पहले वेलनेस, तो यहाँ पर वेलनेस कूपन कोड जो एक्सपायर हो चुका है। जैसे मैं अप्लाई पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर ये बोलेगा ये कूपन कोड जो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो। उसके बाद गाइस मैंने आपको एक और कूपन कोड बताया था फेब डिवाइस 20 नाम से, इसको जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो ये भी अभी के टाइम में एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि जितने भी कूपन कोड थे वो सभी एक्सपायर हो चुके हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जब भी प्रोडक्ट जो सा प्रोडक्ट अच्छा होगा स्टॉक के अंदर आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, एंड कूपन कोड कौन सा अभी के टाइम में अप्लाई हो रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं पिन आउट पर टैप कर देता हूँ, देख सकते हो कार्ड वैल्यू रिक्वायर्ड, सॉरी मैंने यहाँ पर टैप नहीं किया था, ये अभी देख सकते हो 0 रुपीज़ हो चुका है। गाइस यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने पिन आउट पर टैप करा, मेरे यहाँ पर जो है ऑर्डर हो चुका है, ठीक है, जो कि गाइस मेरे को बहुत ही जल्द रिसीव हो जाएगा 15 दिन के अंदर। यदि आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है तो जो मैंने आपको नंबर बताया था उस नंबर पर आपको कॉल करना है और आपको अपने प्रोडक्ट की जो है डिटेल बता देनी है कि मैंने इस तारीख को ऑर्डर किया था, मेरे को अभी तक नहीं रिसीव हुआ है, ठीक है। तो गाइस आप इसी तरीके से जो है अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल ही फ्री में प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। अब गाइस बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग के बारे में। तो ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी फेबल एप्लीकेशन की, उसके अंदर मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया था, बट मेरे को एक और प्रोडक्ट रिसीव हुआ था फेबल एप्लीकेशन से, तो मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने डायबिलिस से जो है लेमन टी मंगाई थी, तो यहाँ पर लेमन टी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 10 पाउच थे, जिसको आप जो है गर्म पानी के अंदर डाल के पी सकते हो, या फिर आप जो है ठंडे पानी में भी इसको पी सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है रसनी की तरह लगता है, आपने खाया भी होगा बचपन में, मैंने तो खूब खाया है, ठीक है। तो रसनी की तरह ये लेमन टी होती है, 10 पाउच है इसके अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका अच्छा लगेगा उसको आप बाय कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपके सारा प्रोसेस क्लियर हो चुका होगा। गाइस इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।